एमेझॉन आणि आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक दुसरा मॅच नंबर 2 मैदानात सुरुवात होते. लॉलीएम क्रिकेट संघाकडून सलामीची जोडी, ओपनर बॅटर स्ट्रायकी एंडला सूरज आणि नॉन स्ट्रायकी एंडला महेंद्र पाहायला मिळतो. आणि या इनिंगची सुरुवात करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती सार्थक सुपर किंग क्रिकेट संघाकडून गोलंदाज दीपक पाहायला मिळतोय. फर्स्ट बॉल राईट अबाउट द विकेट असेल, स्ट्रायकी एंडला सूरज हा बॅटर. पहिला चेंडू चांगल्या पद्धतीने फेकलाय, लेन चेंडू ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न, चांगल्या चेंडूने सुरुवात झाली या इनिंगची. दीपक या गोलंदाजाकडून पहिला चेंडू धावपलकावरती देखील निर्धावणे केला, डॉट चेंडू निघतोय या धावपलकावरती. 5 षटकाचा सामना आजच्या दिवसातील सेकंड मॅच मैदानात रंगते या दोन बलाढ्य आणि रणधुरंधर क्रिकेट संघादरम्यान. लोअर फुल टॉस चेंडू स्लॉग केला, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चांगले क्षेत्ररक्षण झाले, फेकी रनआउटसाठी असेल परंतु थोडीशी ढिलाई नाही फेकी, रनआउटची संधी होती, चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, त्यानंतर फेकी जर पाहिले तर ती ढिलाईन आणि त्याचमुळे सिंगल कम्प्लीट होत असताना स्कोरबोर्डवरती 2 चेंडू समाप्त 1 धावा. पॉवरप्लेचं महत्त्वपूर्ण षटक, दिलीप गोलंदाजी मार्गवरती संघाचा स्ट्रायकर गोलंदाज प्रमुख गोलंदाज, पॉवरप्लेचं षटक आणि त्याचमुळे क्षेत्ररक्षण देखील जर पाहिलं तर 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर, 9 क्षेत्ररक्षक इनफील्डमध्ये, डीप लॉंग ऑनला 30 सर्कलच्या बाहेर, 1 क्षेत्ररक्षक ऑनसाईटला मिड विकेट डीपमध्ये तैनात, लेफ्ट हँडर बॅटर असं महेंद्र स्ट्रायकी एंडला. या लेफ्ट हँडर बॅटरसाठी हे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. बॅटम राऊंड विकेट, यावेळी दिशा बदलून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न दिलीप या गोलंदाजाचा, कारण लेफ्ट हँडर बॅटर अँगलने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न असेल या षटकादरम्यान. लोअर फुल टॉस चेंडू लाईन मिस केली, विकेट किपर बीड झालाय, बॅटर देखील बीड झालाय, या वेगाने आणि बाईच्या स्वरूपात ही सिंगल मिळेल एक्स्ट्रामध्ये आणि या सिंगलला सांगिक धावसंख्या देखील 2 धावा. क्रिकेटमध्ये फुल टॉस चेंडू हे कमी मिळत असतात आणि त्या फुल टॉस चेंडूला मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट करणं खूप महत्त्वाचं असतं क्रिकेटमध्ये. 1 धाव एक्स्ट्रामध्ये सांगिक धावसंख्या 2 धावा या धावपलकावरती. यावेळी फटका आडव्या बॅटने स्क्वेअर लेगला खेळला, चेंडू जाईल एका टप्प्यानंतर सीमारेषा पलीकडे, सूरजच्या बॅटमधून यावेळी दमदार क्रॅकिंग चौकार दिलीपच्या विरोधात. या इनिंग मधील पहिला मोठा फटका क्रॅकिंग चौकार सूरजच्या बॅटमधून स्कोरबोर्डवरती 6 रन 6 धावा या धावपलकावरती. पॉवरप्लेचा फायदा उठवत असताना शॉर्ट पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला, मिड विकेट जरूर तैनात परंतु त्याला देखील दूर चेंडू पाहायला मिळाला. यावेळी शॉर्ट चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप पंचांकडे मागणी केली व्हाईट साठी परंतु उजव्या स्टीवरती शफल झाल्यामुळे हा चेंडू देखील फलंदाजाच्या स्लॉटमध्ये होता आणि त्याचमुळे पंच देखील या चेंडूला तटस्थ निर्णय देतात. डॉट चेंडू या धावपलकावरती सांगिक धावसंख्या 6 रन या स्कोरबोर्डवरती पाहायला मिळते. पहिलं षटक हे प्रगतीपथावरती. यावेळी खराब चेंडू, दिशाहीन चेंडू, आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू खूपच बाहेर फेकलाय गोलंदाज दीपक येणे. अतिरिक्त धाव मेले या चेंडूवरती व्हाईटचा इशारा कॉमेंटरी बॉक्समध्ये आलाय. एक्स्ट्रा डे सांगिक धावसंख्या धावपलकावरती 7 रन 7 धावा या धावपलकावर. बॅटरपासून दूर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न दिलीप याचा परंतु आउटसाइड ऑफ स्टंप खूपच बाहेर चेंडू फेकला, एक्स्ट्रा रन देखील बहाल केले प्रतिस्पर्धी संघाला. शॉर्ट चेंडू फटका आडव्या बॅटने खेळाय, ऑन साईडला डीपमध्ये चेंडूचा प्रवास, एकेरी धाव मेले या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांगिक धावसंख्या देखील धावपलकावरती 8 रन. आफ्टर कम्प्लिशन 1 अवर एक चौकार सूरजच्या बॅटमधून निघालाय आणि त्या चौकाराच्या बरोबरीने सांगिक धावसंख्या 8 रन स्कोरबोर्डवरती. आफ्टर कम्प्लिशन 1 अवर एका षटकाचा झालाय खेळ समाप्त धावपलकावर 8 धावा. आजचा तिसरा दिवस या स्पर्धेचा कानकुडा प्रीमियर लीग 2024 थर्ड एडिशन या स्पर्धेचा आहे. या तिसऱ्या दिवसातील सेकंड मॅच आपण पाहतोय मैदानात. 2 रणधुरंधर क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर, टॉस विन झाल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय सार्थक सुपर किंग क्रिकेट संघाचा आणि नक्कीच किंग प्रमाणे मैदानात तो देखील खेळताना पाहायला मिळतो. पहिल्या षटकादरम्यान 8 धावा खर्च केल्यात आणि दुसऱ्या बाजूने प्रथम फलंदाजी मिळाली लॉलीएम लायन्स क्रिकेट संघाला आणि तो देखील जर पाहिला तर चांगली सुरुवात, सावध सुरुवात म्हणावी लागेल. पहिल्या इनिंगचा खेळ आपण पाहतोय मैदानात चालू असताना
टॉस विन झाल्यानंतर गोलंदाजी करायचा सरा पाहायला मिळतोय. सार्थक सुपर किंग क्रिकेट संघ या मैदानामध्ये कालच्या 2 दिवसात जर पाहिलं तर क्रिकेटचा हा रणसंग्राम, खेपट्टीवरती धावांचा पाऊस, चौकार षटकार मैदानात पाहायला मिळाले आणि त्याचबरोबर गोलंदाजीने देखील या पूर्ण स्पर्धेत प्रभावित केलं आपल्या गोलंदाजीने. खेपट्टी गोलंदाजांना देखील मदत ठरणारे आणि त्याचबरोबर फलंदाजांसाठी नंदनवन ठरणारे ही खेपट्टी मैदानात पाहायला मिळते. विशाल असेल गोलंदाजी मार्गवरती सेकंड ओव्हर घेऊन बाकी एडला समोर बॅटर सूरज पहिला चेंडू फेस करेल या ओव्हरमध्ये. सांगिक धावसंख्या देखील धावपळ करते आतापर्यंत 8 रन. पॉवर प्लेचा षटक संपल्यामुळे चित्ररक्षण देखील अगदी डीपमध्ये तैनात पाहायला मिळते. पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारा. पंचाचा इशारा आलाय व्हाईट साइड, त्याचबरोबर 1 फॉर दी ओव्हर 1 बाउन्सचा देखील इशारा. पूर्व सूचना गोलंदाज विशाल याच्यासाठी 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा 1 बाउन्स आणि त्याचमुळे पुढील 1 बाउन्स नो घोषित केला जाईल. एक्स्ट्राने सांगिक धावसंख्या 9 रन स्कोर बोर्डवरती 9 धावा या धावपलकावर. एंडला सूरज हा बॅटर याही वेळी खराब चेंडू नोचा इशारा आलाय. विशाल याचा अतिरिक्त उंची घेणारा हा चेंडू सेकंड बाउन्स नो चेंडू आणि त्याचबरोबर फ्री हिट देखील असेल. एक्स्ट्रा आणखी एक धाव असेल धावपलकावरती आणि एक्स्ट्रा डे सागिक धावसंख्या 10 रन या स्कोरबोर्डवर 10 धावा बिनबाद पाहायला मिळतात. विशाल आपल्या खांद्याचा वापर करतोय. अतिरिक्त उंची प्राप्त करणारे चेंडू फेकले जात आहेत बाउन्सर चेंडूने. थोडस फलंदाजाला आश्चर्यचकित करण्याचा प्रयत्न, सरप्राईज करण्याचा प्रयत्न, परंतु बाउन्सर 2 चेंडू नो मिळाले आणि त्याचमुळे आता फ्री हिट असेल बॅटर सूरज साडे. लायसन टू किल लायसन असेल या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्यासाठी. शॉर्ट चेंडू शडाम पुलचा फटका ऑन साइडला खेळला. स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. झेल पकडण्यात आले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मैदानात झालाय. फ्री हिटचा चेंडू आणि त्याचमुळे या चेंडूवरती मिळतील 2 धावा. झेल कमालीचं पकडण्यात आले परंतु फ्री हिटचा चेंडू आणि त्याचमुळे याही चेंडूवरती 2 धावा. सूरजच्या बॅट मधून निघाल्यात आणि या 2 धावेने सांगिक धावसंख्या 12 रन या स्कोरबोर्डवरती. पहिल्या विकेटसाठी झालेले मैदानात भागीदारी सूरज आणि महेंद्र या 2 बॅटरमध्ये. फटका मिस टायमिंग डीप लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक त्यांना जज करतोय आणि कमालीचं जजमेंट देखील. साधं सोपं झेल असेल डीप लॉंग आपला आणि फलंदाज माघारी परतेल. सूरज पहिला विकेट मिळवला जातोय गोलंदाज विशालच्या माध्यमातून. पहिला धक्का बसलाय लोलियम लायन्स क्रिकेट संघाला. सागिक धावसंख्या 12 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. हॅलो हॅलो हॅलो.
18 रन या स्कोरबोर्डवरती दुर्गेशच्या बॅटमधून एक क्रॅकिंग षटकार मैदानात उतरल्या ते पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण केलंय दुर्गेश या बॅटरने. स्वतःच्या इनिंगची सुरुवात केली या क्रॅकिंग षटकाने आणि सागिक धावसंख्या देखील 1 विकेट लॉस 18 रन या स्कोरबोर्डवरती. चांगला चेंडू, चेंज ऑफ पेस, डिलिव्हरी बदल आले ते दाखवले या चेंडूवरती. बोटं फिरवली अंतिम क्षणी या चेंडूवर आणि लेग ब्रेक चेंडू पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू या धावपळ करते, बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू, सागिक धावसंख्या देखील या स्कोरबोर्डवरती 18 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन अ प्रोग्रेस, गोलंदाजी मार्गवरती पियुष पाहायला मिळतोय. विकेट मिळवली या गोलंदाजाने, त्याचबरोबर पाहिलं तर संभाव्य धावसंख्येला देखील रोखून धरतो या षटका दरम्यान. चांगला चेंडू वेगात गतीने फेकलाय, फुल टॉस चेंडू होता, लाईन मिस केले, पहिला चेंडू स्पर्श करत असताना बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला निघालाय. एक धाव नक्कीच पूर्ण झाले या चेंडूवरती, परंतु ती धाव बॅटला लागून निघाले पाहावं लागेल. सिंगल असेल, चेंडू बॅटला लागतो आणि त्याचमुळे अंतिम चेंडूवरती सिंगल निघत असताना सागिक धावसंख्या 19 रन या स्कोरबोर्डवरती लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 2 ओव्हर्स. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होत असताना 19 धावा धावपलकावरती 1 विकेट गमावत असताना विलियम लायन्स क्रिकेट संघ पाहायला मिळतोय. इनिंग दरम्यान प्रथम फलंदाजी करतोय दुर्गेश मैदानात आणि त्याचबरोबर त्याच्या बरोबरीला महेंद्र हा बॅटर पाहायला मिळतोय. सूरजने चांगली सुरुवात केली होती, एक चौकार सूरजच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. त्या 8 धावांची त्याची खेळी समाप्त केली गोलंदाज पियुषने आणि त्यानंतर ही जवळजवळ मैदानात जमताना पाहायला मिळते. मागील सामना मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग, आजच्या दिवसातील पहिले हाफ सेंचुरी या पूर्ण स्पर्धेतील पहिले हाफ सेंचुरी पाहायला मिळाले. आजच्या तिसऱ्या दिवसामध्ये उदय याच्या बॅटमधून ते आक्रमक विस्फोटक फटके उदय याने मैदानात खेळले या खेळपट्टीवरती आणि पहिल्या दिवसापासून मदतगार ठरणारी ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अगदी नंदनवन ठरणारी ही खेळपट्टी आणि या खेळपट्टीवरती हा क्रिकेटचा रणसंग्राम आजचा तिसरा दिवस आपण पाहतोय. गोलंदाजीत बदलाव, तिसरं षटक घेऊन सायराच्या गोलंदाज पाहायला मिळेल. सार्थक सुपर किंग क्रिकेट संघाकडून समोर असेल दुर्गेश बॅटर. पहिला चेंडू फेस करेल या षटका दरम्यान. चित्रक्षरचा विचार केला, डीप फॉरवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड विकेट एक तैनात, लॉंग ऑन एक तैनात, समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफ वाईड इस्टला पाहायला मिळतो आणि त्याचबरोबर डीप स्वीपर कवर एक चित्ररक्षक पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती क्रॅकिंग फटका, डीप मिड विकेटला चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. दुर्गेशच्या बॅट मधून हा दमदार सरदार ब्रँडेड क्रॅकिंग सीपीएल षटकार. साईराजाच्या विरोधात पहिल्या चेंडूवरती हल्ला चढवला बॅटर दुर्गेश शेरे, क्रॅकिंग षटकार मिड विकेटला, स्टंप पुलचा फटका सक्सेसफुल झालाय, 6 धावा मिळाल्यात. यावेळी चांगला चेंडू ब्लॉक होल मध्ये फेकलाय परफेक्ट यॉर्कर, चारही मुंड्या चित करणारा हा चेंडू बॅटर दुर्गेश याला. बाईच्या स्वरूपात हे 1 धाव असेल सिंगल, या सागिक धावसंख्या 26 रन लॉस ऑफ 1 विकेट या स्कोरबोर्डवरती. परफेक्ट यॉर्कर वेगात फेकलाय बॅट, एक येण्या अगोदर चेंडू देखील विकेट किपर कडे ट्रॅव्हल झालाय. एक्स्ट्रा मध्ये 1 धाव 26 रन या स्कोरबोर्डवरती. पहिल्या चेंडूवरती षटकार जरूर खेळला बॅटर दुर्गेशने, परंतु त्यानंतर गोलंदाजाने कमबॅक केले, अगदी दमदार कमबॅक म्हणावं लागेल. क्रिकेटमध्ये ज्या गोलंदाजचं ब्रह्मास्त्र संबोधलं जातं तो यॉर्कर चेंडू, परफेक्ट यॉर्कर दुर्गेश याच्या विरोधात. या सिंगलने स्ट्राईक रोटेट झाले. यावेळी स्ट्राईक एंडवरती असेल लेफ्ट हँडर बॅटर महेंद्र पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी या षटका दरम्यान. फुल टॉस चेंडू, खराब चेंडू आणि या फुल टॉस चेंडूवरती टेप स्क्वेअर लेगला बहारदार फटका महेंद्र याच्या बॅटमधून, चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. आणखी एक दर्जेदार दमदार अफलातून षटकार महेंद्र याच्या बॅटमधून. थँक्यू डिझर, 32 रन लॉस ऑफ 1 विकेट या स्कोरबोर्डवरती. आक्रमण मैदानात सातत्याने केले जात आहे. या तिसऱ्या षटकादरम्यान महेंद्र याच्या बॅटमधून देखील आक्रमक फटका डीप स्क्वेअर लेगला, 6 धावांसाठी षटकार मिळाला महेंद्र या बॅटरला, 32 रन या स्कोरबोर्डवरती.
त्यावेळी खराब चेंडू आउटसाइड ऑफ, चेंडू खूपच बाहेर निघालाय. पंचाने देखील वाईट घोषित केला या चेंडूला आणि या वाईटने सांघिक धावसंख्या या अतिरिक्त धावने 33 रन 33 धावा धावपलकावरती. लेफ्ट हँडर बॅटर समोर आक्रमण करतो आणि त्याचमुळे चेंडू देखील बॅटर पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. शॉर्ट चेंडू ऑन साइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न. मेरिटवरती क्रिकेट खेळ खूप महत्वाचं आम्ही सातत्याने कॉमेंटरी बॉक्समधून सांगत असतो, कारण ज्या ठिकाणी चेंडू निघत असतो त्या ठिकाणी फटका खेळ खूप महत्वाचा क्रिकेटमध्ये. यावेळी चेंडू जर पाहिला तर लेन चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच केला होता आणि त्याचमुळे ऑन साइडला फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बीट झाला बॅटर महेंद्र. यावेळी आडव्या बॅटने क्लॉक केलाय. मिड विकेटला चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. बॅटच्या मधोमध घेत असताना प्रॉपर टायमिंग साधलाय आणि एक भव्य षटकार बॅटर महेंद्र याच्या बॅटमधून. थर्टी नाईन रन या स्कोर बोर्डवरती महेंद्र याच्या बॅटमधून देखील ते आक्रमक फटकेबाजी मैदानात. याहीवेळी प्रयत्न झालाय मोठा फटका खेळण्याचा. अक्रॉस द बॅटने मिड विकेट स्क्वेअर लेगला तो चेंडू निर्धावडे गेला. अंतिम षटी चेंडू निर्धावडे घेत असताना सागिक धावसंख्या 39 रन लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 3 ओव्हर्स. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 39 धावा धावपलकावरती. एक फलंदाज हा माघारी परतल्यानंतर या धावपलकावर पाहायला मिळतोय. टॉस विन झाल्यानंतर घेतलेला निर्णय गोलंदाजी करण्याचा सार्थक सुपर किंग क्रिकेट संघाचा हा निर्णय कितपत योग्य असेल कितपत यशस्वी केला जाईल येणारे वेळ येणारा काळ मैदानात ठरवेल. आतापर्यंत 13 रनरेटने धावा निघतात. 3 षटकादरम्यान 39 धावा या धावपलकावरती. एक विकेट माघारी परतले परंतु महेंद्र आणि दुर्गेश मैदानात आक्रमकरित्या फटकेबाजी करतोय. अधिक अटॅकिंग क्रिकेट काय असतं हे मैदानात दाखवलं जातं या दोन्ही बॅटरकडून. तिसरं षटक साईराजाचं व्य नक्कीच एक महागडे षटक म्हणावं लागेल. कडे 3 षटकार तब्बल साईराजाच्या विरोधात ठोकले बॅटर दुर्गेश आणि महेंद्र याडे. त्यानंतर चौथ्या षटकाची सुरुवात करण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती सिद्धू हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. सिद्धार्थ भगत नाईक हा गोलंदाज. पहिला चेंडू इनसाइड आउटचा फटका डीप लॉंग ऑफला जाईल. चेंडू सीमारेषा पलीकडे दुर्गेशच्या बॅट मधून ब्रँडेड क्रॅकिंग सीपीएल षटकार. पहिल्या चेंडूवरती षटकार सिद्धू याच्या विरोधात आणि या षटकाने सागिक धावसंख्या देखील 45 रन लॉस ऑफ वन विकेट. 45 धावा धावपलकावरती. दुर्गेशाचं आक्रमण रोखण्यासाठी गोलंदाजाला नक्कीच प्रयत्न करावे लागतात मैदानात. हे कसोशीचे प्रयत्न आतापर्यंत असफल ठरलेत. लोअर फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटने फटका ऑन साइडला. याही वेळी चेंडू जाईल मिड विकेटच्या वरून सीमारेषा पलीकडे. ब्रँडेड क्रॅकिंग आणि अफलातून षटकार दुर्गेशच्या बॅटमधून. बॅक टू बॅक षटकार मैदानात. दुर्गेश इज ऑन फायर आणि या षटकाने सागिक धावसंख्या 51 रन 51 धावा या धावपलकावरती. या फलंदाजाला रोखण्यासाठी रणनीती आखावी लागेल, कारण मैदानात दुर्गेश याची आकोकी फलंदाजी. अगदी प्रत्येक गोलंदाजाच्या विरोधात काउंटर अटॅक करतोय हा बॅटर. दोन षटकार अफलातून षटकार एक इनसाइड आउटचा लॉंग ऑफ घेऊन आणि त्यानंतर मिड विकेटला स्लॉग करत असताना फुलटॉस चेंडूवरती टोल वसूल केला या षटकाने. शॉर्ट चेंडू शळाम पुलचा फटका मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या वरून जाईल. चेंडू सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक तिसरा षटकार आणि दुर्गेश मैदानात आक्रमण करतोय सातत्याने. सिद्धू याच्या विरोधात सलग 3 षटकार आणि या षटकाने सागिक धावसंख्या 57 रन. या स्कोरबोर्डवरती दुर्गेश खेळतोय 31 रन वरती. यामध्ये 5 भव्य षटकार पाहायला मिळाले अफलातून फटके. 9 चेंडू तो फेस करत असताना 31 या धावसंख्येवरती खेळतोय. टीमची धावसंख्या 57 रन. याही वेळी चौथा षटकार स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड ओव्हर द बॉलर हेड डीप लॉंग ऑफला चेंडू झालाय फरार सीमारेषा पार. सो एलिगंट सो ब्युटिफुल जस्ट लुकिंग लाईक वाव. बॅक टू बॅक 4 षटकार मैदानात दुर्गेशच्या बॅटमधून आणि या 4 षटकारात सागिक धावसंख्या देखील 63 रन 63 धावा धावपलकावरती. मागील सामन्यादरम्यान उदय याचा आपण हाफ सेंचुरी पाहिली आणि त्यानंतर दुर्गेश देखील मैदानात. आता 4 चेंडूवरती 4 षटकार खेचतोय.
तो वैयक्तिक खेळतोय 37 रनवरती, 10 चेंडू फेस करत असताना 370 स्ट्राईक रेट या बॅटरचं मैदानात 10 चेंडू आणि 37 रन तो वैयक्तिक खेळतो. इंडिव्हिज्युअल स्कोर त्याचा पाहायला मिळतो या धावपलकावरती आणि टीमची धावसंख्या 63 रन 63 धावा या धावपलकर एक विकेट माघारी परतल्यास. याही वेळी फटका मोठा खेळा परंतु मिस टायमिंग झालाय. डीप लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक मिळवता, क्षेत्ररक्षक जज करतोय, मागे फिरत असताना एक कमालीचं अप्रतिम जेल मिळाली विकेट, प्राइस विकेट, गोलंदाज सिद्धू याला आणि बॅटर माघारी परतले यावे. दुर्गेश ज्याने आक्रमण मैदानात चढवलं होतं, बॅक टू बॅक 4 षटकार ठोकले होते सिद्धू याच्या विरोधात, परंतु गोलंदाजाने देखील कमबॅक केलंय, विकेट मिळवली समोरची गोल्डन विकेट. दुर्गेश बॅक टू द पवेलियन, सागेक धावसंख्या 63 रन, लॉस ऑफ टू विकेट, फोर्थ ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. लास्ट बॉल चांगला चेंडू, संदेश न्यू बॅटर सिंगल मेल्या चेंडूला मिड ऑनला, या सिंगलला सागेक धावसंख्या देखील 64 रन, लॉस ऑफ टू विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 4 ओव्हर. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 64 धावाया धावपळकरती, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात दुर्गेश माघारे परतल्या. दुर्गेशचं आक्रमण आपण पाहिलं मैदानात, ते रौद्र रूप मैदानात पाहायला मिळालं दुर्गेश याचं, तो माघारे परतल्यानंतर मैदानात संदेश पाहायला मिळतोय महेंद्र याची साथ देण्यासाठी. लेदर क्रिकेट देखील अगदी बरंच आक्रमक खेळतोय दुर्गेश, तो माघारे परतल्या ज्याने मैदानात मागील षटकादरम्यान ती आक्रमकता दाखवली होती. सिद्धू याच्या विरोधात काउंटर अटॅक, बॅक टू बॅक 4 षटकार, त्यानंतर विकेट मिळवली सिद्धू या गोलंदाजाने. क्रिकेटमध्ये हेच पाहायला मिळतंय, एक तेरे तो एक मेरी, यावेळी 4 षटकारने गेले, वाटलं होती 6 चेंडूवरती 6 षटकार देखील हा बॅटर ठोकेल, परंतु लेफ्ट हँडर गोलंदाज सिद्धू याने विकेट मिळवली आणि आपली गुणवत्ता देखील दाखवली या गोलंदाजाने. क्लॉक षटका दरम्यान आक्रमण समोरून विकेट मिळवली आणि त्याचबरोबर आता 5व्या षटकाची सुरुवात होते धावपळकावरती. 64 रन, लॉस ऑफ टू विकेट, 5वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतोय. गौरेश हा गोलंदाज डेथ ओव्हरमध्ये, गौरेश किती धावांवरती रोखेल समोरच्या संघाला हे पाहावं लागेल. अंतिम 6 चेंडू या पहिल्या इनिंग दरम्यान, सांगे धावसंख्या देखील अगदी वेगात गतीने पुढे सरकले धावपळकावरती 64 रन. पहिला चेंडू मिस टायमिंग फटका, स्क्वेअर लेग मिड विकेटला चेंडू झाला, मिस टायमिंग, झेलची संधी असेल क्षेत्ररक्षकाला, चांगला जजमेंट आणि कमालीचं झेल देखील मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, फलंदाज माघारी परतल, संदेश तिसरा धक्का बसतोय लोलियम लायन्स क्रिकेट संघाला. सांगिक धावसंख्या धावपळकावरती 64 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. न्यू बॅटर विदेश मैदानात दाखल झालाय, सांगिक धावसंख्या 64 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, फिफ्थ ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवली गोलंदाज गौरेश याने, पहिला चेंडू विकेट टेकर, विकेट मिळवणारा पहिला चेंडू, त्यानंतर न्यू बॅटर मैदानात दाखल झालाय स्ट्राइकी एंड्रा पाहायला मिळतोय. विदेश हा बॅटर पहिला चेंडू फेस करेल या इनिंग दरम्यान आणि या षटका दरम्यान देखील. किती धावांचं आव्हान उभं केलं जाईल, आजचा पहिला सामना मोठ्या धावसंख्येचा पटला आणि त्यानंतर देखील एक मोठी धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू लोअर फुल टॉस कुदून काढलाय समोरच्या दिशेने, बॅक टू द बॉलर फटका खेळाय, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका, सिंगल मेल या चेंडूवरती विदेश या बॅटरला आणि या सिंगलने सांगिक धावसंख्या 65 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. या स्कोर बोर्डवरती
ओपनिंग बॅटर महेंद्र स्ट्रायकिंग एंडला स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर ओपनिंगसाठी हा आलेला बॅटर आतापर्यंत चांगला क्रिकेट खेळतोय. एका बाजूने दुर्गेशचं आक्रमण, त्यानंतर महेंद्र याने देखील आक्रमण केलंय आणि आता मैदानात स्ट्रायकिंग एंडला तो पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लेन चेंडू होता, अतिरिक्त उंची देखील प्राप्त केली या चेंडूने. अनियमित बाउन्स या खेळपट्टीमध्ये पूल करण्याचा प्रयत्न मिडविकेट वेलेगला, परंतु हा प्रयत्न देखील असफल ठरला. निर्धाव चेंडू या धावपलकावरती डॉट निघाला. या धावपलकावर चांगली एक धावसंख्या देखील स्थिरावली 65 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. खराब चेंडू इथे जर पाहिला तर ऑफ स्टम्प चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न वाईड ओव्हरचा, परंतु हा प्रयत्न निष्फळ ठरेल. व्हाईटचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आला आहे आणि अतिरिक्त धाव खर्ची देखील केली जाईल. गोलंदाज गौरेशच्या माध्यमातून एक्स्ट्रामध्ये ही धाव, चांगली एक धावसंख्या या स्कोरबोर्डवरती 66 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट. यावेळी आडव्या बॅटने फटका दमदार निघालाय. मिड विकेटच्या वरून चेंडू झालाय फरार, सीमा रेषा पार, दूरवरचा षटकार महेंद्र याच्या बॅटमधून. थँक्यू टू सर. 72 रन या स्कोरबोर्डवरती, लॉस ऑफ 3 विकेट. प्रथम फलंदाजी करत असणार या फर्स्ट इनिंग दरम्यान लोलियम लायन्स क्रिकेट संघ. यावेळी चांगला चेंडू आडव्या बॅटने पुन्हा एकदा पूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू शरीरमध्ये रनआउटची संधी फेकी चांगली निघाली, परंतु गोलंदाजाकडून चुकी पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर प्रयत्न दुसऱ्या धाव्याचा आणि इथे रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल महेंद्र याला. चातुर्य नक्कीच मैदानात दाखवले होते, कल्पक बुद्धी देखील दाखवले होते, परंतु दुसऱ्या धाव्याच्या प्रयत्नात रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागते. 73 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. महेंद्र डगआउटचा शिकार बनेल. पहिल्या इनिंगमधील लास्ट चेंडू असेल अंतिम चेंडू. चांगली एक धावसंख्या या स्कोरबोर्डवरती. 73 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. फिफ्थ ओव्हर इन अ प्रोग्रेस. पाचव्या षटकाचं खेळ आपण मैदानात पाहतो. अंतिम चेंडू या पहिल्या इनिंग दरम्यान ते न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज असेल. फुल टॉस चेंडू लाईन मिस केले. फुल टॉस चेंडू होता मोठा फटका खेळण्यासाठी. संधी निर्माण होती, मेजवानी होती फुल टॉस चेंडूवरती. वेल फक्त एक धाव या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांगे एक धावसंख्या 74 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. आणि तिसऱ्या पंचांकडे मागणी विमर चेंडूसाठी. फुल टॉस चेंडूवरती हाईट पाहिली जाईल, वेस्ट हाईट पाहिली जाईल. नो बॉल असेल आणि मिळतील दोन धावा या चेंडूवरती. न्यू बॅटर आशिष मैदानात दाखल झाला होता. पहिला चेंडू फेस करत असणारा बीमार चेंडू, द वेस्ट हाईटच्या देखील वरती हा चेंडू आणि त्याचमुळे पंच देखील तिसरे पंच आमचे नो घोषित करतायत. चांगल्या कॅमेरावर शिवम आणि त्याचबरोबर तेजस याचं पाहायला मिळालंय या स्पर्धेदरम्यान. थर्ड अंपायर आणि नो घोषित केला हा चेंडू आणि आता असेल फ्री हिट.
75 रन या स्कोर बोर्डवरती लॉस ऑफ 4 विकेट. फ्रेड बॉल खोदून काढलाय समोरच्या दिशेने, डिप्लॉगॉनला क्षेत्ररक्षक, त्यांना सिंगल कंप्लीट झाले. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि निश्चित स्वरूपात चांगलं कल्पक बुद्धी मैदानात दाखवले, चातुर्य देखील दोन्ही फलंदाजांनी दाखवलं. अंतिम चेंडूवरती फ्रेहिटच्या चेंडूवरती मिळतील या दोन धावा आणि या दोन धावने सांगे धावसंख्या या स्कोरबोर्डवरती 77 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कम्प्लिशन 5 ओव्हर्स. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 77 रन या स्कोरबोर्डवरती प्रथम फलंदाजी करत असताना लोलियम लायन्स क्रिकेट संघ ते वाघाप्रमाणे मैदानात खेळले. हे संघ हा संघ पहिल्या इनिंग दरम्यान धावपलकावरती 77 रन, सेकंड इनिंग दरम्यान टार्गेट असेल सार्थक सुपर किंग क्रिकेट संघासमोर 78 रनचं. असतील 5 षटकं 30 बॉल, 78 रन्स टू विन या सामन्या दरम्यान. आणि नेक्स्ट इनिंग दरम्यान कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा आवाज असेल सन्मान्य प्रवीण देसाई सर यांचा. याच्यानंतर जी मॅच जातली राजबाग वॉरियर्स वर्सेस फसकाळी वॉरियर्स, मागता दोनूय कॅप्टना लागी मातशे कॉमेंट्री बॉक्साकडेन कॉन्टॅक्ट करपाक. राजबाग वॉरियर्स वर्सेस फसकाळी वॉरियर्स, बोथ द कॅप्टन्स प्लीज रिपोर्ट टू द कॉमेंट्री बॉक्स फॉर द टॉस. दिस इज द फर्स्ट कॉल. मॅच मातशी बेगीन घेऊची, अंपायरांना लागी मागता मॅच मातशी बेगीन घेऊची. धन्यवाद सुमित. और चलते हैं इस मुकाबले की ओर. 78 रनों की आवश्यकता. सार्थक सुपर किंग्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 78 रनों की आवश्यकता. और सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार. प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुकी है सिद्धू और दीपक. प्रारंभिक जोड़ी मैदान में उतारी गई है और पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर इस टूर्नामेंट में खिलाई जा रही है. कनकन प्रीमियर लीग 2024 आज तीसरा दिन जिस तरीके से हम
इस कुर्सी पर हमको हम इस कुर्सी पर बैठने वाला बड़ा नहीं बिठाने वाला बड़ा होता है। और प्रारंभिक जोड़ी जिस तरीके से स्ट्राइक कब स्ट्राइक लेंगे दीपक और नौशा का एंड रहेंगे सिद्धू कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे दुर्गेश अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई और उनके ऊपर अब गेंदबाजी का दारोमदार उनके कंधों पर पहली गेंद राइट टाइम ओवर द विकेट और उनके पाले में पड़ती हुई गेंद और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए अच्छी शुरुआत यहां होती हुई दीपक द्वारा जिस तरीके से उनके पाले में गेंद पड़ी हुई थी पहली गेंद आक्रामकता यहां दिखाता हुआ और जिस तरीके से एक बड़ा स्कोर का पीछे अगर आपको करना है तो ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद यहां बरकरार होती हुई टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर दीपक की अगर बात की जाए अनुभव काफी लंबा तकरीबन 400 मैचों का अनुभव और उनके फलस्वरूप प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतारा गया है 6 रनों के साथ यहां शुरुआत होती हुई दुर्गेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद दीपक के लिए और इस बार अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद करवट लेती हुई बाहर जाती हुई अंपायर से मांग हालांकि कर जरूर रही है लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए सही गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी करवट लेती हुई इस बार गति में परिवर्तन हालांकि किया जरूर दुर्गेश द्वारा और उनका फायदा यहां मिलता हुआ मंजिल यहां 78 रनों की अब तक 6 रन और गलती कर बैठे जरूर थे लेकिन फिलहाल उल्टा होती हुई गेंद उसका फायदा उठा नहीं पाया और निश्चित रूप से यहां तीसरे अंपायर के लिए निर्णय मांगा जरूर गया है जिस तरीके से गेंद फेंकी जरूर गई थी दुर्गेश द्वारा एक उल्टा भरी गेंद हालांकि जरूर थी नतीजा आना बाकी जरूर है लेकिन फिलहाल मांग यहां की जरूर गई है जिस तरीके से गति परिवर्तन करने की सोच यहां की जरूर गई थी दुर्गेश द्वारा बल्लेबाजी में जिस तरीके से दमखम उन्होंने दिखाया गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला हुआ था लेकिन फिलहाल पहली गेंद पर चक्का हालांकि दीपक के बल्ले से लेकिन फिलहाल यहां और इस तरीके से यहां अच्छी गेंद जिस तरीके से तीसरे अंपायर को निर्णय दिया जरूर गया था जिस तरीके से अच्छी गेंद तक के रूप में जाती हुई गेंद बल्लेबाजों के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव यहां बढ़ाती हुई लेकिन फिलहाल दुर्गेश की अगली गेंद दीपक के लिए और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ जरूर खिलाड़ी वहां मौजूद जब तक फील्ड करे थ्रो करे सिर्फ 1 रन लेने का मौका बनता हुआ अच्छी फील्डिंग इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बने हैं मंजिल यहां 78 रनों की अब तक 7 रन बना चुकी है पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई सार्थक सुपर किंग्स को ये मुकाबला जीतना है तो जिस तरीके से एक आक्रामकता पारी जिस तरीके से दुर्गेश ने खेली गई थी महेंद्र ने जिस तरीके से बल्लेबाजी दिखाई थी उस तरीके से बल्लेबाजी का दमखम उनकी टीम के साथ है जरूर और पहली गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई दिशा देने की कोशिश यहां होती हुई गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी के दस्तानों में जाकर गेंद रुकी उसके फलस्वरूप टक के रूप में जाती हुई गेंद हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं मंजिल यहां काफी दूर लेकिन इस बार हड़बड़ाहट में खेला हुआ शॉट अपील और लेकिन उस अपील में उतनी शक्ति नहीं मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश अंपायर पर इस तरीके से एक ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन बने हैं बिना नुकसान के अब कहीं मच जाएंगे हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद तुम हमें संगीत दो हम तुम्हें आवाज देंगे
धन्यवाद डीजे। रॉयल लायंस की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आए हैं सूरज आए हैं। तल्पन रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे सूरज, सामना करेंगे दीपक। एक ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन बने हैं। पहली गेंद जोरदार शॉट, हालांकि जमीन के सारे खेल है, बीचे बीच जाती हुई गेंद दो खिलाड़ी के बीच और डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश होती हुई और तब तक 2 रन लेने का मौका बनता हुआ। इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बने हैं। मंजिल यहां काफी दूर, 78 रनों की आवश्यकता। जिस तरीके से कड़ी धूप इस ग्राउंड पर पड़ी हुई है, ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए, गूगल से हमने पूछा, तकरीबन 30 डिग्री ह्यूमिडिटी इस ग्राउंड पर होती हुई, हल्की हवा खिलाड़ी को और श्रोताओं को आनंद देती हुई। लेकिन इस बार सूरज फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद दीपक के लिए, एक छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला, लेकिन इस बार दिशा भट्ट के दिशा जिस तरीके से गति प्रदान करने के नादानी में गिफ्ट के रूप में रन यहां बहाल होता हुआ और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बने हैं। और इस बार गति और यहां मौका बना हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन यहां क्रिकेट को फुटबॉल करने की कोशिश, कामयाबी यहां मिलती हुई, निशाना गलत, लेकिन तब तक सिर्फ 1 रन लेने का मौका बनता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी महेंद्र ने हालांकि कोशिश जरूर की थी, उंगलियों को छाट कर मातृभूमि पर पड़ती हुई गेंद, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका बनता हुआ। कैप्टेंडर सिद्धू के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच यहां बहती हुई। मंजिल काफी दूर, लेकिन संघर्ष यहां चलता हुआ रनों के लिए। एक छक्का दीपक के बल्ले से देखने को जरूर मिला। जिस तरीके से तूफानी पारी इस मुकाबले में दुर्गेश द्वारा खेली गई थी, उस तरीके से पारी की आवश्यकता। और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, खेला जरूर, लेकिन 1-1 रन आपके लिए जीत नहीं, हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं। बड़े शॉट की तलाश, अच्छी गेंदबाजी सूरज द्वारा अपने टीम के लिए यहां चमकता हुआ। सूरज जिस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी होती हुई, पूरी तरह से बल्लेबाजों को बांध के रखा गया है। हालांकि फिलहाल उनके हाथ में रस्सी नहीं, लेकिन गेंद जिस तरीके से डाल रही है। और इस बार फिर एक बार दिशा भट्ट के ऑफसाइड से काफी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। इस तरीके से देखा जाए, उतार चढ़ाव इस ओवर में देखने को जरूर मिल रहा है। कभी खुशी कभी गम इस ओवर में। और इस बार उनके पाले में पड़ती हुई गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से एक आक्रामकता आपको दिखानी पड़ेगी। ये खराब गेंद फिलहाल सूरज के हाथों से निकलती हुई और दीपक के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बने हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई, 78 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार लालच भरी गेंद, ओह माय गॉड, एक मौका बना हुआ दिख जरूर रहा था। लालच भरी गेंद डाली जरूर गई थी, लेकिन कहना पड़ेगा लालच भरी गेंद आपको बुलाती है, मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े, लेकिन फिलहाल भाग्य आपका साथ देता हुआ और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन बने हैं।
इस तरीके से बड़ी कोशिश यहाँ की जरूर गई थी सूरज द्वारा, उस गेंद तक पहुंचे हालांकि जरूर थी, हाथ को छटकती हुई गेंद निकल गई। और इस बार गेंद जिस तरीके से डाली गई, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा हालांकि लगा जरूर गया था, लेकिन फिलहाल दो ओवर समाप्त होने के बाद 21 रन बने हैं। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 18 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता, अब तक 21 रन बना चुके हैं, तीसरी ओवर लेकर आए हैं, विजय आए हैं। प्रारंभिक जोड़ी अभी भी क्रीज पर डटी हुई है, एक पार्टनरशिप यहां बनी हुई है, दो छक्के हालांकि देखने को जरूर मिले दीपक के बल्ले से। तीसरी ओवर की पहली गेंद सिद्धू के लिए, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, अच्छी शुरुआत विजय द्वारा। टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की जरूर गई थी, 21 रन मंजिल काफी दूर, 17 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता। और फिर एक बार अच्छी गेंद, जिस तरीके से नतीतुली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, काफी शानदार गेंदबाजी विजय द्वारा, जिस तरीके से हम पहले ही जिक्र कर चुके थे शुरुआत उन्होंने अच्छी, दो गेंदें ढक के रूप में जाती हुई, दोनों खिलाड़ी के बीच थोड़ी सी बातचीत यहां होती हुई, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, लेकिन फिलहाल अगली गेंद। और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क अलग हुआ जरूर, लेकिन तब तक सिर्फ एक रन जुड़ता हुआ, हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं, एक एक रन आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकती है, अच्छी गेंदबाजी विजय द्वारा। ये मुकाबला जीतने के लिए एक खिलाड़ी को तो निश्चित रूप से एक छोटा रिंकू सिंह बनना ही पड़ेगा, वो कारनामा यहां दीपक कर सकते हैं। बड़े बड़े संत म्हणून गेले, केल्याने होता है रे, आधी केलं पाहिजे। और इस बार लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, तब तक सिर्फ एक रन यहां लिया गया, 24 और फ्री हिट का मौका यहां पनपता हुआ सिद्धू के लिए। और इस बीच जोरदार अपील लेकिन कोई निर्णय नहीं, काफी शानदार गेंद हालांकि थी विजय, काफी नतीतुली गेंदबाजी, उतार चढ़ाव इस ओवर में देखने को जरूर मिला, जिस तरीके से देखा जाए फ्री हिट का मौका पनपता हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन वापसी यहां होती हुई विजय द्वारा। और इस बार आक्रामकता दिखाने की कोशिश हालांकि कर जरूर रहे सिद्धू, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी यहां विजय कर रही है, नतीतुली गेंदबाजी, इस एक रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 25 रन बनी है। और इस बार भी अच्छी गेंद, वाइड लाइन पर गेंदबाजी होती हुई, निशाना यहां गलत होता हुआ, और इस तरीके से तीन ओवर समाप्त होने के बाद 26 रन बने हैं, साथ तक सुपर किंग्स का स्कोर बिना नुकसान के।
अभी भी मंजिल काफी दूर जरूर है, लेकिन फिलहाल क्रिकेट एक अनचिताओं का खेल है। चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है। अंतिम 12 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला जीतने के लिए सार्थक सुपर किंग्स को मातृभूमि की मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ दीपक फिर एक बार तैयार होता हुआ यहाँ निश्चित रूप से चौथी ओवर संजय लेकर आए हैं। पहली गेंद डाली लालच, बड़ी गेंद, लेकिन तीन जीवदान हालांकि निश्चित रूप से मिले जरूर, लेकिन उस जीवदान का पूरा फायदा यहाँ उठा नहीं पाया दीपक। जिस तरीके से देखा जाए एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में जाने जरूर जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उनका बल्ला उस तरीके से चला नहीं, समय उनके साथ चल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल संघर्ष यहाँ चलता हुआ रनों के लिए। अंतिम 11 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ क्या निभाओगे, आपको साथ निभाना पड़ेगा। और इस बार अच्छी गेंद, और इस तरीके से देखा जाए सफलता यहां मिलती हुई, पहला धक्का लगता हुआ सिद्धू के रूप में। अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 10 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। यहां सन्नाटा क्यों है भाई? नए बल्लेबाज श्रीजोत और मुन्ना मैदान में आ चुके हैं। मंजिल अभी भी दूर जरूर है। अंतिम 10 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। मुन्ना को यहां अमिताभ बच्चन बनने का मौका, हीरो बनने का मौका बनता हुआ। और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, अच्छी गेंद संजय द्वारा। एक सफलता मिलने के बाद जिस तरीके से उनके गेंदों में जिस तरीके से आग उगल रही है, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दे नहीं रही है। अच्छी नती तुली गेंदबाजी, अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा, और उनका अनुभव का पूरा ज्ञान यहां बांटता हुआ संजय। और इस बार आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट पर गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। काफी पैरेलल शॉट यहां जाता हुआ 6 रनों के लिए, और तीसरा छक्का यहां लगता हुआ दीपक के बल्ले से, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। मंजिल यहां 78 रनों की चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई। संजय फिर एक बार तैयार अगली गेंद दीपक के लिए, और इस बार अच्छी गेंद वापसी यहां होती हुई संजय द्वारा, बाई के रूप में रन यहां जोड़ता हुआ, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं। बड़ी शॉट की तलाश यहां बल्लेबाज जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल सही लाइन और लेंथ के साथ यहां गेंदबाजी होती हुई। एक छक्का हालांकि इस ओवर में लगा जरूर, लेकिन उनके बावजूद जिस तरीके से अच्छी गेंदबाजी संजय द्वारा, और एक अच्छी जड़ में डाली हुई गेंद, अपने आप पर विश्वास नहीं संजय द्वारा, लेकिन फिलहाल इस बार निशाना चूकता हुआ, लेकिन एक रन जोड़ता हुआ, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन बने हैं 4 ओवर समाप्त होने के बाद।
मंजिल काफी दूर जा चुका है। अंतिम छह गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। अंतिम ओवर हम लेकर आए हैं। संदेश, छोटे कद के खिलाड़ी, गति उनके पास जरूर है। मन्ना के लिए पहली गेंद, अच्छी गेंद, हम पहले ही जिक्र कर चुके थे जिस तरीके से अच्छी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। अनुभव पूरी तरह से अपना दिखाता हुआ जिस तरीके से गेंद उन्होंने फेंकी, गति हालांकि थी जरूर, लेकिन जिस तरीके से टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी करवट लेती हुई गेंद। अंतिम पांच गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता। इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है देखा जाए तो। और इस बार शॉट खेला जरूर, खिलाड़ी वहां तैनात किया गया था और इस तरीके से दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं श्रीजोत उर्फ मुन्ना के रूप में। दूसरा धक्का लगता हुआ और इस बार नए बल्लेबाज नरू आई है और इस बार आते आते बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इसके साथ ओ माय गॉड, देव नहीं देव आ रहे हैं, आपको भगवान को मंदिर में ढूंढना पड़ेगा। एक लॉलीपॉप कैच थी, लेकिन फिलहाल कोई मुश्किल नहीं, हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। और आखिरकार बड़ा शॉट, लेकिन कहना पड़ेगा प्यासे को समय पर पानी ना दिया हो और बाद में अमृत पिला के क्या फायदा। निश्चित रूप से और एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला 6 रनों के लिए, लेकिन ऐसी बल्लेबाजी आपको पहले करनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल समय यहां जा चुका है। आने वाले मुकाबले में आपके लिए मौका उपलब्ध जरूर होगा, लेकिन फिलहाल इस बार वाइड का इशारा, अंपायर का इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बने हैं। अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई इस बीच अगली गेंद और ए शॉट और एक रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए। हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन बने हैं। और गेंद तकरीबन स्टेडियम से काफी बाहर जा चुकी है, प्रेक्षकों ने गेंद को रोक कर रखा गया है और खेल थोड़ा सा रोका हुआ। और एक छक्का यहां देखने को जरूर मिला और निजी स्कोर और इस बार आड़े बल्ले से खेला जरूर, इस बार जमीन के सारे खेला हुआ शॉट सिर्फ 1 रन के लिए 34 रन बनाकर और इस तरीके से यहां जीत दर्ज कर चुकी है। लोलियम लायंस ये मुकाबला जीत कर अग्रसर होने की सोच विचारधारा यहां बहती हुई और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर मंगेश मड़गांवकर जी आपको सुनवाएंगे। तब तक के लेते एक छोटा सा ब्रेक, तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे।